उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो गया तेरे आने का टाइम? टाइम देखा है? हैं? जब तक मैं सफाई ना कर लूं, तूने नहीं आना, तुझे तो मौत पड़ती है मौत। उस्ताद जी, आपको तो पता है आज मैं सुबह सुबह मुकाबला हुसैन में गया था। मुकाबला हुसैन में? अच्छा, और आपको पता है कि मैं सफाई वगैरह कर नहीं सकता, मुझे डस्ट एलर्जी है। वाह वाह तेरी नफासत है। ए बाप तेरा सारा दिन भट्ठे पे मजदूरी करता है, वो तो नहीं मरा आज तक, तुझे डस्ट एलर्जी है। बाप मेरा जो मजदूरी करता है ना उस्ताद जी, वो कच्ची ईंटें रेत वगैरह नहीं उठाता, सिर्फ पक्की ईंटें उठा के बाहर रखता है, इसलिए उनको डस्ट तंग नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है तेरी। और ये देखो मैं सब्जी ले आया हूँ। बस एक आलू? इतना ही वजन उठा सकता हूँ, नफीस आदमी हूँ उस्ताद जी। हाय हाय तेरी नफासत। ये क्या पहना हुआ है तूने? आपको तो पता है मैं नहाता हूँ तो ये जरूर लगाता हूँ, क्यों दिमाग में पानी ना चला जाए। हाय हाय बाप तेरा रोज आ जाता है, हैं? कि मेरे बेटे की दिहाड़ी बढ़ाओ, दिहाड़ी बढ़ाओ, और तेरे काम ये है कि 12 बजे से पहले तूने दुकान पे नहीं आना। ताजी दिहाड़ी बढ़ाओ ना बढ़ाओ, और खुराक जरूर बढ़ाओ, क्योंकि हमने मोटा भी होना है। वाह 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 मेरा नसीब है, क्या बात है। तो एहसान नहीं करता तू मुझ पे, तनख्वाह लेता है तनख्वाह, मुझ पे नहीं काम कर रहा तू। और उस्ताद जी तनख्वाह जो लेता हूँ मैं भी तो हर बेईमानी में आपका साथ देता हूँ। चल बकवास न कर, काम कर। उस्ताद जी जितनी मैं आपकी खुशामद कर लूँ, जितनी मेहनत कर लूँ, आप खुश नहीं होते। भाई शरीफ आलू है, आलू नजर नहीं आ रहा तुझे, तो ये आलू ही है, बैंगन नहीं है। अजय शरीफ दरअसल मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा है, नजर नहीं आ रहे। ओ तुम्हारी तो नजर का मसला है। ये बताओ जब तुम रात को सोते हो तुम्हें कुछ नजर आता है? नहीं बिल्कुल, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता सोने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा है मैंने। तुम्हारी नजर में काला मोतिया आ गया, काला मोतिया है, इसका तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? हाजी शरीफ मुझे पागल बना रहे हो, सोने के बाद भी कुछ नजर आता है, मुझे पागल ना बनाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। हाजी तो दोनों आंखें खराब है, दोनों आंखें निकालनी पड़ेंगी इसकी। हाँ। और बंदा इतना बेतीब है। अच्छा। तो करता ही नहीं। अच्छा। परसों कुत्ते ने इसको काट लिया। अच्छा। इसने कोई लिहाज नहीं किया, कोई दीद नहीं की, फौरन कुत्ते को काटा इसने। बाबे। दोनों आंखें निकाल ले, निकाल ले इसकी। इसकी तो दोनों आंखें निकलेंगी उस्ताद। डराओ तो ना यार। यार पप्पू मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बिचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बनेगा इसका बिचारे का? क्या बनेगा उस्ताद जी, भीख मांगेगा ये? हैं? क्या वाकई में अंधा हो जाऊंगा? नहीं नहीं मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं बिल्कुल भीख नहीं मांगूंगा, छोड़ो इन आलू को, मैं जाता हूँ अभी, अभी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। अबे कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जाता हूँ? अगर डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली तो फिर क्या करोगे? तो फिर मैं क्या करूं, किधर जाऊं मैं, कहां जाऊं? अरे तुम कहीं भी ना जाओ, उस्ताद मोहतरम के पास दवाई है, अगर ये दे दे तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएं और रोशनी भी पहले से ज्यादा, क्यों उस्ताद मोहतरम? नहीं नहीं मैं ये दवाई नहीं दे सकता, ये मैंने अपने खास दोस्त के लिए रखी है, उसको दूंगा, मैं ऐसे कैसे इसको दे दूं? बहुत महंगी दवाई है, बहुत, ये नहीं ले सकता। खुदा के लिए ये दवाई मुझे दे दो, मेरी आंखों से ज्यादा कीमती तो नहीं है, जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा आपको, खुदा के लिए ये मुझे दे दो दवाई। ताजी दे दो, बेचारा गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दुआ देगा। तू कहता है तो दे देता हूँ,
मुझे ये बता तेरे पास पैसे कितने हैं? हाजी शरीफ मेरे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं। इतने कम पैसे? ओए इतने पैसों में तो मैं तुझे दवाई सूंघने भी ना दूं। चले आप इस तरह करें, ये मेरा मोबाइल भी रख लें। ये भी बहुत कम है। उस्ताद जी पैसे और मोबाइल रखो और ये इसकी टोपी भी कीमती है और कपड़े भी उतरवा लो। ये कम है, ये कम है तो ये लो, ये गरीब के कपड़े भी उतार लो। ये लो। ये लो दवाई, ये दो दो कतरे अभी जाते ही अपनी दोनों आंखों में डाल लो। दो दो क्या, मैं तो पांच पांच कतरे डालूंगा, अंधा होने से तो बच जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा नहीं घुमाना यार। हाजी शरीफ ये कैसे तेरे अमरूद हैं? कल मैं अमरूद लेके गया था, इसमें देखो कीड़े निकले सारे। क्या बात है ओ मेरे भाई, ये अपने नसीब की बात है। पर कल मेरा ये शागिर्द लेके गया पप्पू, उसके अमरूद से मोटरसाइकिल निकला है। मोटरसाइकिल? हाँ बे पप्पू, बता जरा इसको। हाँ उस्ताद जी, जो मोटरसाइकिल कल अमरूद से निकला था ना, हाँ? आज मेरा बाप मौत के कुएं बतला रहा है। अरे तुम्हें अमरूद खाने की तमीज ही नहीं? जब घर में अमरूद लेके जाओ पहले उसको रखो, फिर उससे बीन बजाओ, कीड़ा होगा तो निकल आएगा, बाद में खाओ। ओ मेरे भाई, ये महंगाई का कीड़ा है, महंगाई का, और ये मरने वाला नहीं है। दिखाओ ना जरा मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है इस कीड़े की है, कितनी खूबसूरती से बैठा है। मैं सदके जाऊं, ऐसे लग रहा है जैसे सर्कस का घोड़ा हो। ये बताओ यार, ये रात को खा लेना, इसमें कौन सी हड्डी है? बाहर में जाए अमरूद, मुझे पैसे तो मैं पैसे लेके जाऊंगा। पैसे? किस बात के पैसे? ओ भाई पैसे तुझसे कोई नहीं है, जाओ जो कर रहा कर लो। छोड़ो उस्ताजी, ये अमरूद आप खाओ, आप तो कीड़े खाते रहते हो ना। बस अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं ले लूंगा पैसे। हाजी शरीफ 100 रुपए के प्याज देना। अच्छा जी, अभी लो, अभी अभी 100 रुपए के 100, चलो है तो ज्यादा, ये लो 100 रुपए का एक मिलेगा प्याज। ओ मेरे भाई, पेट्रोल का रेट देखे, बिजली का रेट देखे हैं? ओ ये भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ वाकफियत की वजह से, नहीं तो आधा आना था 100 रुपए का। क्यों, ये पेट्रोल पे चलते हैं? ओ हम तो पेट्रोल पे चल रहे हैं ना भाई है? बस ये ही काफी समझो, ये मिल तो रहे हैं, एक ही मिलेगा। हाँ चलो ठीक है, खाते में लिख देना। कोई बात नहीं जी, खाते में लिख देते हैं। शापर तो दे दे। ओ भाई 100 रुपए में शापर नहीं आता, जेब में डालो और जाओ। ओए पप्पू, ओए खाने की मशीन, ओए ये अमरूद रख दे, इसको एलपी लगा के जोड़ के रख दे, बेच देंगे। एलपी? ओ एलपी तो उसको दे दिया, देखो बताना नहीं। अच्छा वो मुझे याद आया, उसको 100 रुपए तो लिख। और क्या? हाँ लिख लिख लिख। क्या नाम है इसका? नाम को गोली मार, लिख गोली मार। गोली मार लिख लिया जी। प्याज कितने के लिए उसने? 100 रुपए के। 100 के? और उधार कितने की है? 100 की। कितने हो गए? 200। 200 हो गए, और हमने उससे लेने कितने हैं? 200 और 200 कितने हो गए? 400 लिख दो। लिख दिए। खाओ उस्ताद खाओ। वो बीमारी तुझे खाने की पड़ी है, मौत सर पे आई हुई है। उस्ताद जी मार तो खाएंगे, अमरूद तो खा ले। अरे भाई अमरूद खाओ, अमरूद खाओ। कहाँ जा रहे हो? ये है हाजी शरीफ दुकानदार, जिसने आंखों की दवाई की बजाय मुझे एलफी दे दी है, मेरी दोनों आंखें खत्म हो गई हैं। मुझे ये बताओ, छोड़ो मुझे,
मुझे ये बताओ, आप सब लोग मुझे ये बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हकीम हूँ, मैं सन्यासी हूँ, वो यार कम से कम इसकी आंखों का मसला है, ये सोच समझ के तो मेरे पास दवाई ले, कसूर इसका है या मेरा है? ये आंखों का नहीं, अकल का अंधा है, अकल का अंधा। मारो इन फराटियों को। चलो।